अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान जमील अहमद और आप देख रहे हैं हिडन ब्यूटीज़। आज हम आपको लिए चलते हैं कंडी एरिया के एक खूबसूरत से गांव में जिसका नाम नौगाम है। अभी हम दुधबुक पहुंचने वाले हैं और ये जो आप स्कूल देख रहे हैं ये है हायर सेकेंडरी सुल्तानपुरा और ये है कुछ विजुअल्स मेन नौगाम के। नौगाम डिस्ट्रिक्ट बारामला में आता है और चंदोसा से चंदी किलोमीटर की दूरी पर वाका है। जब हम नौगाम पहुंचे तो यहाँ के लोग हमें बड़े ही नेक दिल लगे और यहाँ के अक्सर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ वाबस्ता है और यहाँ के नौजवान जो हैं उनका हमने इंटरेस्ट देखा ज़्यादा लैपटॉप के साथ, मोबाइल फ़ोन्स के साथ और कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा नौगाम कई सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे यहाँ एक मस्जिद है जिसे कश्मीर में रज़ाक सभी मस्जिद कहा जाता है और यहाँ एक खूबसूरत सा खेल का मैदान देखेंगे आप जहाँ वादी के नौवर खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। खेल के मैदान में न सिर्फ आप खेल का लुत्फ उठा सकते हैं बल्कि यहाँ आकर आप कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस ग्राउंड के अंपायर्स की बात करें तो उनमें जहांगीर लोंग और मेहरान वादी के मारूफ अंपायर में गिने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं इस पिच को एक अच्छा पिच बनाने में ताकि खिलाड़ी अपना टैलेंट भरपूर अंदाज से दिखाएं। इस प्लेग्राउंड का नाम डोबा है जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें से डोबा कहा जाता है और दूर दूर से क्रिकेटर्स यहाँ खेलने आते हैं, अपने खेल का मुजाहरा करते हैं और नए नए टैलेंट जो हैं वो उभर आते हैं यहाँ पर। मैंने भी जो अपना डेब्यू किया हुआ है वो भी इसी प्लेग्राउंड में ही किया है, डोबा जिसका नाम है। और यहाँ हम आज मैच खेलने आए थे तो हमने सोचा कि हम अपने दोस्तों को भी इस जैसे प्लेग्राउंड का नज़ारा दें। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ये जो आप पीछे एरिया देख रहे हैं ये सुल्तानपुरा कन्नी का एरिया है जिसमें बहुत सारे गांव आते हैं जैसे नौगाम, दुधबुक, सुल्तानपुरा, इचल, कोलेना, इसके थोड़ा जस्ट पास। ये जो डोबा क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ परवेज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का थर्ड एडिशन जारी है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। इसके अलावा यहाँ खाने के भी कुछ इंतज़ाम किए गए हैं, दुकानदार जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं कुछ खाने की चीज़ें तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं होने वाली। यहाँ एक खूबसूरत सा लम्हा शाकिर अहमद अपना डेब्यू करते हुए, बहुत ही मेमोरेबल इवेंट होता है ये। हम आपको दिखाते हैं ये जो डोबा ग्राउंड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसमें हमारा और दूसरी टीम का मैच चल रहा है, उसके विजुअल्स कुछ दिखाएंगे हम आपको। आप देख सकते हैं हमारी जो टीम है बैटिंग कर रही है और ये स्टार्टिंग ओवर्स है। तो इसके बाद हम आपको अपने ड्रेसिंग रूम तो नहीं कह सकते, ड्रेसिंग साइड की तरफ लिए चलते हैं। ये हैं मिस्टर बिलाल अहमद जो हमारी टीम के सबसे काबिल तरीन गेंदबाज हैं और ये शाहिद लेफ्टी से कहा जाता है। उसके बाद मकबूल जिन्होंने पैडिंग की रखी है और ये हैं शाकिर जो उभरते हुए खिलाड़ी है जिन्होंने आज डेब्यू किया है और यह टीचर सहिल सर हमारे गाइड है। इसके बाद आरिफ अहमद खांडे, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये फारूक अहमद, इन्हें नाना के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी टेंस है यहाँ पर, हमारी टीम को जीतने के लिए 22 रन चाहिए और 19 गेंदों में एक और शॉट लगा ऑन साइड की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, एक रन तेजी से पूरा किया, दूसरे के लिए आना चाहते थे आरिफ लेकिन मना कर दिया सामने वाले छोटे भाई शाहिद ने। वो तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि मैच दोनों तरफ है। आई वॉन्ट टू गिव अ प्रपोजल टू यू, प्लीज कम हियर, विजिट दिस प्लेग्राउंड, शो योर टैलेंट, यू विल फील द डिफरेंस। योगनी पाक, अस्सलाम वालेकुम। मैदान में हमने देखा
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि जो वादी के नंबर टैलेंट है वो यहाँ पर आके अपना टैलेंट शो करें और हम उनसे कुछ सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। कैमरा क्वीन उज़्मा के साथ मैं जमील अहमद, हिडन ब्यूटीज़।